शरीर लक्षण विज्ञान एक ग्रंथ है, मतलब शरीर लक्षण विज्ञान पर एक ग्रंथ है जिसमें स्त्रियों के बारे में शरीर लक्षण विज्ञान की बात कही गई है। स्त्री का हाथ किस तरह से हो, उसमें क्या क्या मांगलिक चिन्ह हो जिससे जीवन खुशहाल बन सके, क्योंकि हर महिला के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो कैसी है। ये आप उसका हाथ देखकर, शुभ चिन्ह देखकर जान सकते हैं। तो आज हमको यही बताना है आपको कि कैसे देखें स्त्री के हाथों की रेखाओं को और क्या क्या चिन्ह उनमें होने चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सके। आप अपने हाथ का पाम रीडिंग भी हमसे करवा सकते हैं। अगर आप किसी लड़की से शादी करने के इच्छुक हैं तो उसका पाम प्रिंट हमको भिजवा कर सलाह ले सकते हैं, और शादी करनी है या नहीं करनी है ये भी जान सकते हैं। तो आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ, जो आपको स्त्री जातक का पाम प्रिंट आपको बताने वाली हूँ कि कैसे शुभ और मांगलिक चिन्ह किसी भी स्त्री के हाथ में हो तो आपको अवश्य ही उससे शादी करनी चाहिए। वो लड़की बहुत अच्छी होती है और वो लड़की सात पुश्तों को तारती है, सात पुश्तों तक उसकी जो होती है जिम्मेदारी वो निभाती है। सात पुश्त वो नहीं देख पाती, मैं जानती हूँ एक जन्म इतना नहीं होता, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि उसका जो पॉजिटिविटी होती है, उसकी चर्चा, उसके गुण सात पीढ़ियों तक गाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं। मुहावरा है एक तरह से, ये मुहावरे के रूप में ही इसको ग्रहण करिए। कुल मिला के ऐसी स्त्री अपने कुल का उद्धार करने वाली होती है। ऐसी कुल की स्त्री बहुत खुश नसीबों को ही नसीब होती है। अगर आपको मिले तो आप उसको छोड़ने की गलती ना करें, बल्कि उसको अपने घर में एंट्री देवें और विवाह करके उसको अपने घर में स्थान देवें, और ऐसा करके आप अपने ही जीवन को खुशहाल बनाएंगे। तो फिर कहती हूँ, आप किसी भी स्त्री का पाम प्रिंट हमसे चेक करवा सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी अंदर की छुपी हुई गूढ़तम बातों को भी आप जान सकते हैं। और जो स्त्री किसी भी तरह से योग्य नहीं होती है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। पाम रीडिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए कई कई क्षेत्रों में पाम रीडिंग का बहुत महत्व कुछ गुणीजन बताते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पामिस्ट्री को ही बहुत महत्व देते हैं और पामिस्ट्री देखकर ही सब कुछ बता देते हैं। हमारी श्रेणी भी ऐसे ही लोगों में आती है। सौभाग्य से हमने पाम रीडिंग का विधिवत प्रशिक्षण लिया है, योग्य गुरु से प्रशिक्षण लिया है और हमको इसके बारे में बहुत जानकारी है। तो आप अपने हस्तरेखा शास्त्र के बारे में हमसे जान सकते हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं, और जो पाम रीडिंग पर आधारित है, स्पेशली स्त्री जातकों के हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि स्त्री जातक के हाथों में ऐसे कौन से शुभ लक्षण होते हैं और उससे इसको क्या क्या मिलता है और उसके परिवार को या पति को क्या क्या मिलता है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस स्त्री के हाथ में कमल का चिन्ह होता है वो निश्चित रूप से राजरानी बनती है। जिस स्त्री के हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह होगा वो निश्चित रूप से लक्ष्मीवती बनेगी, मतलब लक्ष्मी उसके पास हमेशा मौजूद रहेगी, हमेशा उसके पास पैसा होगा। जिस स्त्री के हाथ में मत्स्य चिन्ह यानी मछली का निशान होता है वो अखंड सौभाग्यवती होती है, और अर्थात सुख को भोगने वाली होती है, सुंदरी भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस स्त्री के हाथ में तराजू का चिन्ह होता है वो किसी व्यवसायी की पत्नी होती है और करोड़ों में खेलती है। उसका जो पैर ऐसे पड़ते हैं, उसके पति का व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ता है, ऐसी वो सौभाग्यशाली होती है। जिस स्त्री के हाथ में त्रिशूल का चिन्ह होता है वो अखंड सौभाग्यवती होती है और किसी अमीर आदमी की पत्नी बनकर जीवन भर सुख भोगती है। जिस स्त्री के हाथ में नगाड़े का चिन्ह हो वो किसी की ठकुरानी बनके, ठाकुर की पत्नी बनके जीवन भर सुख भोगती है। उसको इतना अच्छा पति मिलता है कि उसको किसी चीज़ की शिकायत नहीं होती है, ऐसा जीवन उसका होता है। तो आज हमने आपको बताया स्त्री चिन्हों के हिसाब से आप अपनी पत्नी के हाथ को देखकर कैसे जान सकते हैं कि आपकी भावी पत्नी किस हिसाब से व्यवहार करेगी। तो ऐसी स्त्रियां बहुत कुलीन होती हैं, सुशील होती हैं और बहुत अथाह संपदा की मालकिन होती है। जिनकी
पुत्री के हाथ में ऐसा निशान है, वो उनको खुशियाँ मनानी चाहिए क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह बहुत उच्च कुल में होगा और वो जीवन भर सुखी रहेगी, सौभाग्यशाली रहेगी, ऐसा उनको मानना चाहिए। तो आप आज ही अपनी पुत्री के हाथ में चेक करिए कि कितना शुभ निशान जो मैंने अभी आपको बताया वो आपकी पुत्री या अनेक पुत्रियों के हाथों में है, तो आप खुशहाल ज़िंदगी बसर करेगी आपकी पुत्रियाँ और ऐसा जीवन जिएगी जो दुनिया देखेगी। दीर्घायु भी होती हैं ऐसी लड़कियाँ जिनके हाथों में ये निशान होते हैं जब जो हमने आपको बताए। तो अपनी पुत्रियों के हाथ में अवश्य चेक करिए ये निशान और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी पुत्रियों के हाथ में इनमें से कितने निशान हैं। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं, पाम प्रिंट भेजकर आप पाम रीडिंग करवा सकते हैं। इसमें आपको मात्र 1100 रुपये देने पड़ेंगे। अभी ऑफ़र चल रहा है, नवरात्रि ऑफ़र 15 दिन के लिए और मान्य है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए। आप अविवाहित कन्या के पाम प्रिंट भी भेज सकते हैं, अपनी पत्नी के भी हाथों के प्रिंट चेक करवा सकते हैं और किसी भी महिला के हाथ की जो प्रिंट हैं पाम प्रिंट आप हमसे चेक करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो डॉक्टर उमाश्री चैनल यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु की और डेली रेमेडी आपको बताती हूँ जो आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आपको देती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और ऐसी जानकारी सबसे शेयर करिए। जनहितार्थ, सबको भला, सबका भला, आप और आपका भला। तो सबका भला करेंगे तो आपका भला निश्चित रूप से होगा। थैंक यू सो मच।